अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्बास यूसुफ और आप देख रहे हैं अब्बास गार्डनिंग। आज हम बताएंगे चमेली के पौधे के बारे में, चमेली का पौधा कैसे घर में ग्रो किया जाता है और इनको किस किस वक्त पानी दिया जाता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल की जाती है और इनमें पानी और इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है, आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा। चमेली का पौधा बहार के मौसम के बाद ग्रो होना शुरू होता है और इसको फूल भी लगते हैं। चमेली के पौधे को सिर्फ एक टाइम पानी देना है और आप दे सकते हैं, मेरी मिट्टी आपको खुश्क नज़र आ रही होगी। जब ये जब आप ये हालत मिट्टी की हो जाए, ये कंडीशन आपको नज़र आने लग जाए, फिर आपने पानी देना है, इससे पहले आपने नहीं देना। और एक दफ़ा पानी देना है और चमेली का पौधा अप्रैल से जून जुलाई तक फूल लगते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये बहार के मौसम के बाद ग्रो करना शुरू करता है। बहार के मौसम के बाद इसके नए पत्ते निकलते हैं और इनको कलियां लगती हैं। आप देख सकते हैं बहार का मौसम अब ख़त्म हो चुका है, बहार के मौसम के बाद ये मेरा पौधा अब ग्रो होना शुरू हो गया है। ये इसकी नई टहनी निकल रही है, ये इस जगह से नई टहनी निकल रही है और इसको एक कली भी लगी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं, ये कली आपको नज़र आ रही होगी। और मेरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।